हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के देखते हैं टाइम कितना हो गया, ठीक है सुबह के 8:06 हो गए हैं। अभी भी हमारे भाई साहब उठे नहीं हैं, अभी तक सो चुके, लगता है आज इनके अंदर कुंभकर्ण आ गया है, इसके अंदर इनको इनके अंदर देखते उठाने की कोशिश करते। भाई साहब उठिए, भाई साहब हम गाँव में नहीं है, भाई साहब हम गाँव में नहीं है, अभी 8:00 भाई साहब उठ उठ जल्दी उठ, टाइम देख ले। मॉर्निंग दोस्तों, हम ग्वालियर आ गए थे यार नागपुर से कल, कितना टाइम 6:00 निकले थे ना नागपुर से, तो यार अब तो कल हम 6:00 नागपुर से निकले थे मॉर्निंग को, और ग्वालियर तो आते आते हमें 8:00 थे, हमने अप्रोक्सीमेटली 14 घंटे का सफर हुआ था, लेकिन उसमें भी हमने थोड़े पॉज लेते थे, जिसमें खाना खाया था, हमने नाश्ता किया था, वो हमारी गाड़ी का जो साइलेंसर है वो उसे जो नट थे वो टूट गए थे, तो हमने उसको रिपेयर किया था, तो उसकी वजह से हमें टाइम लगा, नहीं तो रास्ता बहुत अच्छा था। तो आप आना चाहते हो नागपुर से ग्वालियर तक तो आपको हार्डली 12 घंटे लगेंगे, आपकी गाड़ी और अच्छा खासी स्पीड वाली होंगी, मतलब 150 की स्पीड से आप भगाते हो तो आपको 12 घंटे नहीं 10 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि रोड बहुत खाली रहता है। तो चलो यार आज हम दोस्तों आज का जो हमारा सफर है, हम जाने वाले हैं हम ग्वालियर से हरिद्वार तक, और हम कोशिश करेंगे कि हरिद्वार के भी आगे जाएंगे, लेकिन अभी हमारा पास तो यार 8:00, कितना टाइम हुआ अभी 8:08 हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम हरिद्वार के आगे जा पाएंगे, क्योंकि अभी रास्ता पता नहीं, कोई अभी जगह नहीं होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम हरिद्वार तक पहुँचेंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों, हमने कल शाम को ओयो बुक किया था, ओयो वाले ने हमें 1200 बोला था, लेकिन हमने बार्गेनिंग करके 800 में बार्गेनिंग कर लिया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि आप हरिद्वार जा रहे, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका अच्छा खासा जॉकेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमने यार 2 कल जॉकेट लिए थे, ये हमने गौरव के लिए जॉकेट लिया था, तो गौरव इसकी प्राइस कितनी थी यार? ये 2022 2490 का इसका प्राइस हो चुका है, और हमने खाना भी खाया था 10:00, तो हम लेट सो गए थे 12:00, वही यार इसीलिए हम आज लेट जागे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारे मतलब गंदगी फैली है, तो इसको अभी हम क्लीन करेंगे, और अभी हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, और उसके बाद हम निकलते हैं, तो निकलते हुए आपको दिखाएंगे कि यार कैसे कैसे आपको पैकेजिंग करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो चलो दोस्तों फिर से गुड मॉर्निंग, और अभी आज की हमारी जो जर्नी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी गौरव का नहाना हो गया, तो भाई पानी कैसा था, गर्म था या ठंडा था? गर्म था। तो चलो यार भाई इसके ऊपर विश्वास करके हम भी नहाने जाते हैं, और देखते हैं पानी गर्म है कि नहीं है, टॉयलेट एकदम खराब है यार। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम इसने ये पता है कि यार आपको गर्म पानी चाहिए तो इसकी धार बहुत छोटी होनी चाहिए, तो यार पानी भरने के लिए बहुत टाइम लगा, तो अभी ऑलमोस्ट बकेट भर चुके थे यार, अभी मैं नहा लेता हूँ। तो चलो यार, तो दोस्तों अभी हमारी तैयारी हो चुकी है, हमने नहा लिया है, अभी हम एकदम फ्रेश हो चुके हैं, और अभी हमारा जो सेटअप है मतलब जो हमें पहनना है गियर जॉकेट है, और हमारे पास कुछ गार्ड है वो पहन के अभी हम निकलते हैं, और उसके बाद हम चेकआउट करते हैं, और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको बताते हैं क्या क्या हमें यूज़ करना पड़ता है, तो जैसे कि हमने कल नया जॉकेट लिया था, तो ये नया जॉकेट पहन लिया, और उसका एक्सपीरियंस बताएंगे कि सच में गर्मी आती है, मतलब अच्छी खासी ये सर्दी झेल पाता है कि नहीं पाता, इसके बारे में भी हम आपको हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। भाई ये है हमारा गियर जैकेट, तो भाई गौरव की इतनी ठंडी पड़ चुकी है कि अभी ना हिल रहा है ना डुल रहा है, अच्छा हो गया गर्म पानी था। अभी अच्छा सफर रहा हमारा इस शहर में, इस शहर ने हमें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, और पहनने के लिए कपड़े ही है भाई सबसे बड़ी बात, क्योंकि यार कल हमको अच्छी खासी ठंडी लग रही थी, जब हम राइडिंग कर रहे थे ना तो भी हम जो भी कपड़े पहने थे उससे एयर पास हो रही थी, तो इसी शहर के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, जॉकेट लिया शहर के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, अच्छे से बात करें हमने हमसे, हम चाहते थे इस शहर में वो किला देखें, पर समय की कमी के कारण
हम वो देख नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर जो ग्वालियर का जो किला है ना, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। रात में उसको अच्छी खासी लाइटिंग की है, तो आप कभी भी आती हो तो ग्वालियर का किला देख लेना। अभी हमें टाइम नहीं मिला था तो हमने इस बार नहीं देखा, लेकिन आते वक्त हम कोशिश करेंगे कि यार उसको भी हम देख लेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न यही वे से आना है। तो देखते हैं, तो अभी ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं। ये पहले भाई ये क्या है, क्या आपको तो मैं भी अंदर रखूँगा। और गाड़ी था चलाते समय सेफ्टी हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी आप भी कहीं जा रहे हैं कहीं टूर पर, तो आप हमेशा ये गार्ड्स वगैरह आपको सब जरूरी है, कहीं लेने लेना नहीं है, पहनना भी है। तो रात में कभी भी ड्राइव ना करें। कल हमने रात में ड्राइव करे थे काफी, हमने जो टूर किया हमें बहुत ही काफी मजा आया है। हमको यार गाड़ी चलाने में बहुत मजा आया, क्योंकि यार रोड बहुत खाली था। क्योंकि हम सबसे क्वेश्चन रहे होंगे कि यार हम तो अपने गांव में इतने सारे चलाते हैं, ये उनसे कुछ जाने का क्या फायदा है ना, ये भी क्वेश्चन रहता है यार क्यों इधर ही घूमो तुमको ड्राइव करना है। अपने गाँव में हम रोज ही चीज़ देखते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे अपन नया चीज़ देख रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इतने हम राइड करने के लिए यहाँ पे, इधर के कल्चर, इधर के लोग, ये सब चीज़ों के लिए हम इधर आए, ये ढूंढने के लिए हमारे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। और हमेशा गाड़ी से अभी बूढ़े गाड़ी चलाएगी, तो यार हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, भाई ये हमारी बैग्स हैं, ये हमारी तीन बैग्स हैं, सब रेडी हो चुके हैं, तो चलो अभी हम निकलते हैं। तो भाई अभी हम रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से हमारा मोबाइल माउंट कर लिया है। चलो यार हम आगे बढ़ते हैं और हम चेकआउट करते हैं। चलो भाई, हाँ सुना था तो भाई सो जा, मैं चला जाता हूँ, ठीक है। चल भाई जल्दी चल, एक पानी की बॉटल ले रहा हूँ, हेलमेट अपने मुंह में डाल दे, सर में डाल दे। ठीक है जा, तो आगे जा और उसको बोल बिल बना। तो यार नहीं आता, सारे लाइट बंद कर देते यार। ये गाड़ी तो कितना डस्ट आ चुका है। हेलो भाई 202, गुड मॉर्निंग भाई, बिल बना रहा है ना, नाम डाल, वो प्रिंट ले लेना। तो भाई देख सकते हमारे गाड़ी के ऊपर कितना धूल मिट्टी आ चुकी है, तो यार हमने रोड के करीब रखा था। अरे बाप रे, एकदम खतरनाक, वाह क्या बात है यार। गाड़ी को तो अभी हमने चमका दिया है और हम इस होटल में रहे थे, आप देख सकते हैं ये होटल है। सर्विस इतनी अच्छी लगी नहीं, ठीक ठाक है यार। तो चलो यार अब हमारी राइड को स्टार्ट करते हैं, देखते अंदर क्या हो गया, क्या हो रहा है। चलो थैंक यू भाई, चलो भाई थैंक यू यार। ओए ओए चल रहे यार, अभी हम हमारे बैग को लटकाना यार, वो भी बहुत आसान हो चुका है बंजी रोप की वजह से। तो इसलिए आप कहीं पर भी जाते हो ना यार, ये रोप लेना एकदम सिंपल, जैसे यहाँ पर एक हुक आप लगा दो, ठीक है, और दूसरा हुक आप यहाँ से लगा लो, इसको नीचे रख दो ऐसा, ठीक है। बैग आपको बस एकदम ऐसे हल्के हाथों से आप लगा लो, ठीक है। मतलब एक अकेला इंसान कुछ सेकंड्स में अपने बैग को लटका सकता है इजीली, और उसके बाद आप एक रो भाई यहाँ पर लटका दो, फिलहाल में फर्स्ट स्टेप है मेरी, उसके बाद मैं उसको टाइट बांधूंगा यार। तो देखो ऐसा खींचो, क्यों यार लग गई है हमारी, तो हम यहाँ पर
लोकेशन लगा लेते सबसे पहले। तो हम हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन दूसरी कैसी रखते यार, देखते अभी कहाँ तक पहुँचते क्योंकि आज टाइम तो ज़्यादा हो चुका है। 536 किलोमीटर दिखा रहा है, कल हमने 750 कवर किया था। तो अभी स्टार्ट करते यार और माउंट कर लेते यहाँ पर। कल हमने 745 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया था और अभी मैं दूसरी ट्रिप को यार ये कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, ज़ीरो पे सेट कर लेता हूँ। ज़ीरो हो गई और आज हमारी जर्नी है स्टार्ट करने। यहाँ पर देखे तो रूसी के 536 किलोमीटर हमें जाना है, 10 घंटे लगने के लिए मतलब लग रहे बोल रहे हैं। 8:04 हम पहुँच जाएंगे, कल भी हम 8 बजे तक पहुँचे थे, आज ऋषिकेश 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। और यार सच में बताओ बे, हमने जो जॉकेट पहना है ना भाई, अंदर पसीना निकल गया मेरा, तेरा निकला है क्या? नहीं। मेरा भाई पसीना पसीना हो गया अंदर से, चेहरे में भी पसीना, देखो बाहर बहुत ठंडी है लेकिन यार मेरे को पसीना छूट गया भाई। ये सच में यार वो जॉकेट है ना उसका कमाल सच में यार ज़बरदस्त है ये भाई, बहुत अच्छा दिख रहा है कुछ बिल्डिंग है यार। बट यार हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सोचेंगे यार इस बिल्डिंग में आने का, बट फिलहाल तो भाई चलो आज हम नए डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े हैं और हमारे डेस्टिनेशन का नाम है ऋषिकेश। तो कोशिश करेंगे कि यार हम ऋषिकेश कम से कम टाइम में, मतलब जो अभी गूगल मैप में दिखा रहा है कि भाई हम 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। बट यार खाना पड़ता है, नाश्ता करना पड़ता है, उसको भी टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से हमें देखते हैं कितना टाइम लेगा। ऐसे कि अगर हम निकले थे तो हमको बोल रहा था कि भाई आप ग्वालियर 6 बजे तक पहुँच जाओगे, बट हम पहुँचे 8 बजे ना। उसमें एक कारण था कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमें टाइम अच्छा लगा लगा था। बट वही आज देखते हैं यार कितना टाइम लगता है। गौरव तेरे को नाश्ता करना है ना, जो दुकान तेरे को अच्छा लगेगा मतलब जो होटल अच्छा लगेगा तो उस वक्त मेरे को मेरी सीट तबदबा देना, ठीक है? क्योंकि यार हमने वही कल खाने के लिए वही हम 12 बजे खाना खाने वाले थे, हम अच्छे ढाबे की और अच्छे होटल की तलाश करते करते हमें 3 बज गए। यार ये भी आपको बताना चाहूँगा एक सीख है मेरी तरफ से कि भाई आपको भूख लगी ना, जो पहले आपको होटल मिले वो भी कुछ चीज़ें मिले उसको आप खा लो, मतलब जो आप खा सकते हो उस चीज़ का। नहीं यार आगे मिलेगी नहीं मिलेगी ये पता नहीं रहता भाई ट्रैवल में, क्योंकि हम उस एरिया से रूबरू बने रहते हैं। कभी कभी आपको गूगल मैप में बोलेंगे आपके आगे होटल है बट वो बंद रह सकता है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। जहाँ पर खाना मिले वहाँ पर खा लो, जहाँ पर पेट्रोल पंप मिले वहाँ पर आप पेट्रोल भर लो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो पहले मिले उसके बाद प्रायोरिटी दो, सिंपल सी बात। जी भाई यहाँ पे टांगा भी मिला है, हमारे यहाँ पे टांगा वांगा कुछ मिलता नहीं है। और यहाँ पे ऑटो ऑटो का कलर है ना ग्रीन और येलो है, हमारे यहाँ पे ब्लैक एंड येलो मिलते हैं, ये भी मेरे को थोड़ा नया मिला। और गड्ढे तो यार हर जगह पर मिलते हैं। ये देखो भाई ये ग्वालियर का ग्वालियर गढ़ी है ऐसा कुछ है, इसकी दीवार यार देख देख, मैंने तेरे को बोला था ना कोई भी सिटी में जाते तो हमको आधा या एक घंटा लगता है निकलने के लिए, और तू बोल रहा था कि आगरा जाएंगे अंदर, तो भाई हम नहीं जाएंगे, जब आएंगे तब जाएंगे। हाँ यहाँ पर देखो भाई नाश्ते का ही बोले उत्तर भाई, तू यहाँ पर नाश्ता कर ले। कचौरी दो, कचौरी बोला बना के दो प्लेट, हाँ हाँ दो प्लेट बना के दो भाई। फोन पे कर रहे हैं, फोन पे कर भाई। थैंक यू भाई। और भैया कैसे हो? अच्छा फेमस है क्या? कौन सा फेमस है, क्या क्या फेमस है? छोले भटूरे। तो भटूरे अभी बने नहीं है ना, पर अभी रेडी होने वाले, कितना टाइम लग गया? हाँ ओके, बहुत भीड़ रहती होंगी फिर। हाँ ओके, और कैसा रेट क्या है छोले भटूरे का? हाँ ओके चलो भाई, थैंक यू भाई। और भैया कैसे हो? आपके मुंह पे बहुत ज़बरदस्त स्माइल आ रही है, स्माइल बहुत ज़बरदस्त है बोला आपके। अच्छा उसके चक्कर में आपको खुशी आ रही है, अच्छा चलो अच्छा यार। तो यार हमने यहाँ पर कचौरी खाई और समोसा खाए, चटनी बहुत ज़बरदस्त है, तो चलो भाई बैठ जाओ हमें जाना है यार। तो यार कचौरी और समोसा दोनों अच्छा लगा, ये ग्वालियर में है। और यहाँ पर यार जो चटनी मैंने देखा ना ऑब्जर्व किया, वो चटनी गौरव तुमको जो चटनी मिली ना समोसे में और कचौरी में, वो चटनी ऐसा लगता है ना यार भाई यूनिक चटनी है,
अपने यहाँ पे तो मिलता नहीं है, हमारे यहाँ पे समोसे में आलू की चटनी मिलेगी, बट यहाँ पे आलू के चटनी के साथ एक अलग ही चटनी थी जिसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त था, और सिर्फ समोसे में ही नहीं थी यार, कचौरे में भी वो चटनी थी यार। अभी हम कहीं पर भी रुकेंगे नहीं, हम अभी फुल स्पीड में जितनी हमारी औकात है ना हमारी गाड़ी की, उस औकात में हम चलाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी की यार वेट कंडीशन स्पीड बहुत कम हो चुकी है। तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आपके साथ इंडियन रहता है, अगर आपके गाड़ी की स्पीड 20 या 25 किलोमीटर की कम हो जाती है और आप उसके बाद मॉडिफिकेशन करते हो, तो उससे भी एरोडायनामिक जो लुक है गाड़ी का उससे इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से यार आपकी गाड़ी की जो स्पीड है ना बहुत कम होती है। तो यार ऐसा मत सोचना कि यार मेरी गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम स्पीड 150 है, तो जब मैं पीलिंग के साथ बैठूंगा और पूरा सामान लगाऊंगा तो मेरे को इतनी ही स्पीड मिलेगी, नहीं यार। ये जो TVS Apache 140 वो भी मेरी गाड़ी है, इसमें स्पीड मैक्सिमम मैंने कवर किया था 133 किलोमीटर, राइट, वो स्पीड को मैंने हिट किया था। बट आज मैंने पूरी की पूरी कोशिश की मैक्सिमम स्पीड लाने की, लेकिन यार मेरे गाड़ी की जो स्पीड है वो 124 हुई जब ढलान थी, और नॉर्मल जो प्लेन एरिया था वहाँ पर 110 की मैक्सिमम स्पीड हिट हुई। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं 25 या 20 किलोमीटर की जो स्पीड है वो घट जाती है जब आपके साथ इंडियन रहता है, और इसके साथ आप कुछ मॉडिफिकेशन करते, कुछ बैक बैक लटका लेते। यार यही मेरे को आपको बताना था कि TVS हमारे साथ ये आपको एक्सपीरियंस मिले। तो अभी हम यार कंटिन्यू करते हैं हमारे जर्नी को, और अभी हम ग्वालियर से डायरेक्ट राजस्थान पहुंच चुके हैं, अभी आगरा बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर जगह पर रेत ही रेत, यार हमारा पहली बार एक्सपीरियंस है यार, राजस्थान का हमारा पहली बार का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हर जगह पर रेत ही रेत, यहाँ पर जो रेत है ना यार हमारे, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो रेत है वो रेत हमारे यहाँ पर इस्तेमाल करते ना प्लास्टर करने के लिए घर को, सर हमने आप लोग देखा नहीं उसको रेत को टच करके, पर हाँ यार यहाँ पर जो रेत है ना मतलब रेत हमारे यहाँ पर मैक्सिमम हम प्लास्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो घर है ना देखो यार घर भी थोड़े अनोखे दिख रहे हैं, है ना, हमारे यहाँ पर जैसे घर रहते हैं वैसे घर भी नहीं है, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इतना खास नहीं दिख रहा यार। मैं तो मजा मोरू ने खाली दिख लेगा साबुन रास्ता भूल लोगा पे, यहाँ पे सड़कें देख ईटे से बनी हुई सड़कें हैं, यहाँ पर तो पत्थर की ईटे है या मिट्टी की ईटे है ये, अरे यार भाई रास्ता भूल गए यार, वो आगे का रास्ता था ना वो हमने मिस कर दिया, इसलिए यार यहाँ पर हम यहाँ गाँव के रास्ते से जा रहे थे, इसलिए तब भी हम गाड़ी जब स्पीड में रहती है ना रास्ते को देखा करो। चलो यार फिर से अभी हमारे रास्ते पे आ चुके, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अभी भी लोग देखो फल्लू उड़ के रहते हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड एडवेंचर खतरनाक। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू, ओहो ये खेती किसकी है, अच्छा ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये आलू की खेती है, आलू आलू लेफ्ट साइड में देखो आलू है, आलू आलू ही चलो 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 भाई चलो। साला एक रास्ता भूल गए, क्या हुआ रे, इसी लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ओहो हाँ चलो यार ये सर्विस रोड है,
दोस्तों हमने अभी 125 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा फर्स्ट ब्रेक। और अभी हमें ऋषिकेश जाने के लिए और टाइम बाकी है, मतलब अभी 8 बज ही जाएंगे यार, 418 किलोमीटर बाकी है। कुछ मिनट पहले हम रास्ता भूल गए थे यार गूगल मैप की वजह से, बट लेकिन अब हम अभी सही रास्ते पर आ चुके हैं। इस रास्ते का नाम है यार इनर रिंग रोड, और हमारी गाड़ी 800 के ऊपर हो चुकी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेन स्प्रे मारेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप लॉन्ग टूर पे जाते हो तो आप चेन स्प्रे लेके आओ, और उसके बाद 500 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर के बीच में आप स्प्रे मार दे। तो अभी हम यहाँ पर स्प्रे मारने वाले हैं और दिखाते हैं कि भाई चेन स्प्रे खुद कैसे मारना है। यहाँ पर आप देखो तो ये सरसों की खेती है यार, बहुत अच्छी खासी खेती है, हमारे यहाँ पर होती नहीं है। लेकिन आप MP आते हो, राजस्थान आते हो और UP आते हो तो आपको ये सरसों की खेती मिल जाएगी। हाँ, और यहाँ पर छेद है, छेद में डाल दे, ज़्यादा पुश करना। हाँ, और अब उसको स्प्रे करना जैसे हम ड्यूरेंट को स्प्रे करते हैं ना, उस तरीके से करना पड़ता है। तो नीचे जो और चैन 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 उसके ऊपर मारा चालू को था, अरे उसके ऊपर मार भाई, पीछे से हाँ वहाँ पर मार। बे तू ज़्यादा खराब कर रहा है, तू मेरे को दे खराब करेंगे हम। बस खाली बस इतना प्यार से मारना पड़ता है, ऐसा करता नहीं। गाड़ी को थोड़ा घुमाता है तो और अच्छा बात होगा। गाड़ी ने दाब आने पहला गियर उठो, गाड़ी पहले गियर में डाल दे और आगे दबा के, नहीं तो गाड़ी ये हो जाएगी। हाँ, और आगे दबा दे पहले, टायर चिपका है जमीन को, अबे टायर चिपका है जमीन को, और आगे दबा के रखना। हाँ हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया, सही 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 चल रहा है। हाँ ख़त्म, रुक जा, अरे रुक जा भाई, तो गाड़ी बंद कर भैया। तो इस तरीके से स्प्रे मारना पड़ता है यार। हाँ मारा मैंने यार, एक बार फिर से करते, फिर से आगे दबा। हाँ हाँ, लगा पहला गेयर, मार मार पहला गेयर मार। दोस्तों हमारे पास है रॉयल इनफील्ड एसेंशियल चेन लुब्रिकेंट, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। तो भाई इसका ये निकाल ले वायर, इसको निकाल ले और फिर से इस छेद में इसको डाल दे यहाँ पर, ऐसा डाल दे सर। हाँ राइट, इसको इसको बंद कर दे, रख दे बैग में। तो यार हमारा अभी फर्स्ट स्टॉप हो चुका है 126 किलोमीटर पे, और लुब्रिकेंट हमने लगा दिया चेन को। और ये रोड का नाम है आराम से यार इनर रिंग मार्ग, तो इस रोड से हम जा रहे हैं यार, एकदम एक्सप्रेस लग रहा है यार, बहुत फास्ट। तो अभी इसमें हम हमारे मैक्सिमम स्पीड हम चेक कर जा सकते हैं, तो इसमें हम लगा सकते हैं अपनी गाड़ी को। दोस्तों यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे में टू व्हीलर को भी एंट्री है, और यहाँ पर आपको कितना रुपये, 70 रुपये आपको कटवाने पड़ेंगे यहाँ से, और उसके बाद आप 165 किलोमीटर का रास्ता उसको आप इजीली पार कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जर्व किया, तुमको कोई यहाँ पर टू व्हीलर दिख रही है क्या? अच्छा ये गिर जाएगा, ओके 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 ओके। हाँ तो भाई देख सकते हो यमुना एक्सप्रेस वे में आपको टू व्हीलर एक भी नहीं मिलेगी, लेकिन यार यहाँ पर आपको एंट्री आराम से मिल जाती है स्पेशल टू व्हीलर के लिए, आपको 70 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, आप जितनी स्पीड में भगाना चाहते हो उतने स्पीड में आप भगा सकते हो। हमारे यहाँ पर समृद्धि एक्सप्रेस वे है बट वहाँ पर टू व्हीलर को अलाउ नहीं है, तो हमें भी डर लगा था जब हम रास्ता क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक टू व्हीलर नहीं दिख रही थी। 50 किलोमीटर क्रॉस करते हो यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो आपको यहाँ पर पेट्रोल मिलेगा, आपको खाने की सुविधा मिलेगी, मतलब A to Z चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। भाई पावर वाला है क्या, 160 रुपये लीटर है क्या, कहाँ पर लेगा यार? और वो कितने का है? 200 रुपये। और 160 रुपये और एक्सट्रीम आता है वो कौन सा यार? अरे साला ये तो 160 रुपये का होगा, इतना महंगा कौन डालेगा भाई, 160 रुपये अपने यहाँ पे मिलता है पावर वाला।
ये वृंदावन है क्या? हाँ क्या बात है यहाँ पर वृंदावन में देखने के लिए क्या है? सभी मंदिर हैं। अच्छा मतलब यहाँ पे मंदिर है ना वृंदावन? बागेवाड़ी मंदिर। अच्छा बागेवाड़ी। तो भाई ऐसा रहता है यमुना एक्सप्रेस वे की पेट्रोल पंप का नज़ारा। तो आप फिर से फ्यूल भरने के बाद फिर से वही अपना जो मेन रूट है। अरे यार ये क्या है भाई, जांच करिए प्रदूषण है क्या भाई? भाई यहाँ पर हवा डाल सकते हैं? ये पीयूसी मिलता है? कितने रुपए में लगता है? तो भाई मेरा देखो यार ये 24 घंटे में मिलता है क्या? खुलता है 24 घंटे में मिलता है 24 सेकंड में लगेगा? तो मेरे को पीयूसी मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक मिनट तो दे दो भाई जल्दी यार। पहले पैसा बताओ कितना लगता है, वहाँ पर आओ क्या मैं? दे दो भाई दे दो। अच्छा मेरा नंबर प्लेट ले रहे हो क्या? वो कपास ज्यादा गीला हो रहा है क्या? अबे इधर तो तू क्या कर रहा है अबे पिछड़ा में तू तो कपास डाल रहा है, पिछड़े में कपास डाल रहा है, इतना दर्द हो रहा है क्या? तो दोस्तों जब पिलियन पीछे आता है ना तो उसके पिछड़े में इतना दर्द होता है कि भाई तुमको कपास डालना पड़ता है। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। मैं मिल गया भाई इतने जल्दी, थोड़ा आगे बढ़े यार। हाँ हवा भी चेक करते ना। क्या बोला? 23 तो चलेगा भाई है ना? कैसे चेक कर ले मेरे गाड़ी में कितना पोल्यूशन हो रहा है तो? पर एक्चुअली अभी कैसे हो रहा है वो तो थोड़ी ना बताए। हाँ कौन दिखाएगा? मतलब तुम्हारे पास कोई वो पास है जाता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भाई वही तो चेक कर ले यार पहले। मैं निकाले तो भाई कैसे चेक कर दिखाओ तो। भाई ये मैं बोल रहा हूँ आगे 28 और पीछे 35 रहना चाहिए ना? हाँ या कम या तुम्हारे हिसाब से कितना रहता है? आगे कितना? 30-35 यार भाई खुद नंबर देख भी उतना। सही है मैंने कर लिया मैंने कर लिया। अच्छा हाँ 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 देख लो भाई नहीं हो गया था 80 हो गया था भाई उसमें 80 चली गई थी इतने फास्ट कर लेता हूँ। नागपुर नागपुर में कहाँ से चलो पैंट टूट गया अभी मेरा। क्या बात है आप मतलब काम क्या करते हो? इंजीनियर। कौन सा? इलेक्ट्रिकल। अच्छा मैं आईटी इंजीनियर हूँ यार डेटा साइंटिस्ट। हाँ मस्त जमाना है हमारा। हम जा रहे यार केदारनाथ से घूमने। अभी तो बंद है ना केदारनाथ? हाँ बहुत गर्मी है भाई इंसान काला पड़ जाता है सफ़ेद वाला। यहाँ से आपको वही रास्ते से आए थे आप वही रास्ते से आपको बाहर भी निकलना है। अभी भी खाना नहीं खाना है भाई? भाई वो पुरानी पर्ची दिखाने क्या? हाँ भाई देखो 75 रुपये। क्या हुआ? 75 रुपये और चाहिए क्यों? ऑलरेडी पे किया ना 205 की लाई उन्होंने और तुमने कटवाई है 70 की। अरे हमको नहीं पता था कितना कटवाना है उन्होंने इतने कटवा दिया। ठीक है कितना दो अभी? 75 दे दो। उन्होंने एक बार में ले लिया नोएडा तक का। हमको पता ही नहीं था भाई। आप तुम लोगों के 3 बार में कितना? बार में लोगे आप? पूरा ले लो ना 70-75-60। अभी एक साथ नहीं कर सकते क्या? हाँ
लो भाई जितना लेना है लो, 70, 75, 60 लगते उतने ही, 205 चाहे एक साथ। अरे भाई हम नए हैं, हमको नहीं पता ना। नहीं वो एक ही बोल रहे ना भाई, 70, 75 हाँ आगे 60 रुपये। थर्ड टोटल 3 है, फर्स्ट वाला 70 रुपये, दूसरा 75 रुपये और तीसरा 60 रुपये। भाई पीछे 75 रुपये का काटा था, 75 रुपये हाँ। तो अभी कितना देना है ये, अभी लास्ट वाला नहीं डोल, और आगे कहाँ तो जाएगा ये, 70, 75, 60 अभी 38 किलोमीटर बाकी है। भाई 38 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है पता है क्या, सिर्फ वो सिर्फ 25 मिनट लगेंगे, 25 या 20 मिनट। अभी पकड़ ले 38 किलोमीटर है हाँ, और 52 टाइम है। अब देख अपने स्पीड पे मैं कितना भगाता हूँ। और अभी मालूम है क्या, बहुत सारी गाड़ियाँ आएगी। मेरी पीठ ऐसी दर्द कर रही है क्योंकि मैं पूरा झुक के आया। नोएडा आ गया भाई, कभी का तो नोएडा आ गया हाँ। देख ये है दिल्ली और आपका ट्रैफिक है बहुत खतरनाक है। छोटा सा टाइम कवर करने के लिए सालों लग जाते हैं यहाँ पर। ये है नेशनल हाईवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 3rd नंबर का। एक्सपीरियंस कैसा था हाँ, सारे कार को हमने पीछे छोड़ दिया। अच्छा अरे टू व्हीलर को पैसे नहीं पे करना पड़ता है, टू व्हीलर को पैसे नहीं पे करना पड़ता यहाँ पर। कुछ खाना पीने का चीज़ यहाँ पर मिल सकते खाने पीने के, आगे देखते हैं। कुछ भी नहीं खाने के लिए। थर्ड टाइम हमने ब्रेक लिया है, सेकंड टाइम तो पेट्रोल भरने के लिए था यार। ये थर्ड टाइम है ना ब्रेक। ओ भाई हाँ बोलो भाई क्या बोल रहे हो, एप्पल के क्या हाँ ईयरबड है आपके पास ओरिजिनल वाले तो? अरे ये यार मेड इन चाइना वाला काम है। कितने का है, 26,300 रुपीज़। तुम कितने में बेचोगे ये हाँ, आधे रेट में। पहले ओरिजिनल है कि नहीं बताओ कि भाई, एप्पल का फ़ोन भी आता है 11,000 में, मैं मानूंगा नहीं यार। तो भाई ये तुम आधे में क्यों बेच रहे हो, ये चोरी का माल है या कैसा है? मेरे को भाई यकीन नहीं हो रहा पहली बात तो, इतने सस्ते में तुम दोगे भाई। ये टोल है ना, ये टोल के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हाँ हमारे भी 106 रुपये यार, बहुत सस्ता ये। डालो भाई फुल कर दो हाँ,
हमारे अरे एक्स्ट्रा किधर है? एक्स्ट्रा है, ये भी चल रही है, गाइड भी है। अरे यार तो वो डलवा दे यार। तो भाई अभी हमारा खाना वाना हो चुका है। तो भाई लोग हमने अभी सरसों का साग खाया है जो कि हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है। तो गौरव भाई ने पहली बार सरसों का साग और मक्की की रोटी खाई। तो भाई मुझे ये बताओ कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो यार गौरव भाई का बात करने का मूड नहीं है यार। अभी हमने 386 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारा कितना बाकी है? 166 किलोमीटर बाकी है। और हमें ये कहाँ तक पहुँचना है? हमें पहुँचना भाई यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ऋषिकेश हमें पहुँचना था, पर पता नहीं अभी ऋषिकेश पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। आज ही जाने को मोस्ट प्रॉबली यही हो सकता है कि हम हरिद्वार तक ही जाएंगे और वहाँ पर हम होटल लेके रहेंगे। तो यार आप हमारे साथ बने रहो और आपको दिखाते हैं नाइट का व्यू। तो आज हमने लंच और डिनर एक साथ ही कर लिया है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था यार। तो अभी हम निकलते हैं, अभी हम रुकेंगे थोड़ी ना, हमारा लंच और डिनर साथ में हो गया ना। हाँ अभी हम रुकने वाले नहीं है, हम अभी कंटिन्यूसली चलेंगे। और यहाँ पर यार एक चीज़ महसूस हो गई, बहुत ट्रैफिक है यार, दिल्ली से लेकर मतलब दिल्ली को जाने के लिए भी ट्रैफिक है और दिल्ली को छोड़ने के बाद भी ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक हमारे यहाँ पर नहीं रहे और यहाँ पर पोल्यूशन भी बहुत है। तो दोस्तों आखिर हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। तो हम ग्वालियर से कितने बजे निकले थे? हम ग्वालियर से 10 बजे के करीब। हाँ तो हम यार आज लेट निकले थे क्योंकि हम लेट जाग गए थे। तो हमने 10:30 बजे हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और डिस्टेंस कितना था? 550 किलोमीटर था ना? 550 ऋषिकेश का। हाँ तो 550 किलोमीटर हमने दोस्तों 10:30 बजे से लेकर कितना टाइम लगा आपको? 9 बजे ना? हाँ तो 9 बज गए दोस्तों हमें इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो इसके लिए हम जब हम निकले थे तो उसके बाद हमने थोड़े ब्रेक लिए थे, जैसे कि हमने नाश्ता किया था उसके लिए ब्रेक लिया था, वो तो हमने ग्वालियर में किया था। और उसके बाद अभी हमने मेरठ में डिनर किया था, लंच और डिनर एक साथ किया था। और उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे 9 बजे। हम कहीं पर जैसे कि हरिद्वार आता है, अपने को राजस्थान भी आता था, हमने राजस्थान में भी कुछ नहीं किया। उसके बाद यूपी आया, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद अभी हम आ गए कौन से कहाँ पर? हम आ गए ऋषिकेश, मतलब उत्तराखंड। तो देखो यार हम MP गए, उसके बाद राजस्थान गए, यूपी गए, और चौथा स्टेट वो है हमारा उत्तराखंड। तो यार सोच यार एक दिन में हमने 4 स्टेट को विजिट किया, मतलब कितना अचीवमेंट किया। तो यार दोस्तों बताना कि आपने राइड करते हुए कभी एक दिन में कितने स्टेट को आपने मतलब क्रॉस किया था? तो यार हमने 4 स्टेट को क्रॉस किया था। और यहाँ पर आने के बाद हमने यार बहुत सारे होटल देखे, तो कोई होटल हमारे बजट के ऊपर थे, मतलब हम ले सकते थे, बट हमने सोचा कि यार कितना क्यों हम उतना पैसा हमारा खर्च करें, वही पैसा खाने में थोड़ा हाँ कर सकते। तो यहाँ पर आप धर्मशाला भी है, मतलब वहाँ पर आप जाओ अपने को नीचे गद्दी वद्दी मिल जाती है, वहाँ पर भी आप सो सकते हो। तो यार हमने 2-4 धर्मशाला में हमने एंट्री किया, उनको पूछा, फिर उन्हें हमारा चेहरा देखने के बाद ही बोला कि भाई यहाँ पर जगह नहीं मिले। अब वो कारण क्या था ये हमें भी नहीं पता। तो यार हमको बहुत मुझे तो इतना बुरा लगा कि यार बोला क्या हम धर्मशाला क्यों जा रहे। तो हमने बोला कि चलो अभी हम होटल ही देखते हैं। तो यार हमने यहाँ पर ही होटल देखा, हमारे पास टाइम नहीं था। यहाँ पर बोल रहे थे कि 10:30 बजे कुछ ही बंद होता है, यहाँ पर पेट्रोलिंग चालू होती है। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, हमने जो हमें एक होटल मिला 700 रुपये में ही होटल मिला, इतनी बहुत मतलब फैसिलिटी तो सब कुछ है, मतलब गर्म पानी मिलेगा, बिस्तर मिलेगा अपने को, क्या बोलते हैं ब्लैंकेट टॉवल सब मिल जाएगा। लेकिन यार ये थोड़ा पुराना होटल है, आपको मैं सब जरिए दिखाऊँगा यार होटल कैसा दिखता है। तो 700 रुपये में हमें ये मिल गया, हमने भाव भाजी कुछ किया नहीं। और जो रिसेप्शनिस्ट है वो अंकल भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अच्छे खासा हमें ज्ञान दे रहे थे। तो यार हमें उनका ज्ञान मिलने के बाद एक चीज़ का बुरा लगा, उन्होंने क्या बोला, केदारनाथ हम जा ही नहीं सकते। हाँ यार केदारनाथ आप आ नहीं सकते, अप्रैल के 22 या 20 तारीख को केदारनाथ की जर्नी स्टार्ट होती है, मतलब आप केदारनाथ जा सकते हो। और सितंबर अक्टूबर ये लास्ट मंथ रहते तभी आप केदारनाथ की जो कपाट रहते वो खुले रहते और वहाँ पर आप ट्रैकिंग और घूम सकते हो। और अक्टूबर से लेकर आप अप्रैल उस बीच मतलब पाँच महीने के बीच में आप केदारनाथ धाम तक आप नहीं पहुंच पाते, वहाँ पर पुलिस रहते बोलते तो आपको एंट्री ही नहीं मिलती, पुलिस भी रहते और आपकी
बॉडी भी सपोर्ट नहीं करते हमको जाने। हाँ, तो वहाँ पे मतलब ज्यादा बर्फबारी होती है, हेवी बर्फबारी होती है, तो उसकी वजह से लाइटिंग भी होती है। हाँ, तो हमने यार बहुत सारे लोगों से पूछा कि यार केदारनाथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो सबने बोला कि आप केदारनाथ नहीं जा सकते। तो यार इसलिए हम कल क्या करने वाले, हम कल कहाँ पर जाने हैं, जाने वाले मसूरी। तो यार हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप मसूरी जाओ, वहाँ पर आपको स्नोफॉल मिलेगा। तो हम जा रहे हैं कल यार मसूरी, सवेरे उठेंगे। हाँ, कितने बजे उठेंगे? अभी तो 11 बजे है ना, कितना बजे? 11 बजकर अभी 11:20 हो चुके हैं। तो हम कल यार सवेरे 6-7 बजे मसूरी की तरफ निकलेंगे, तो उसका भी हम अच्छी तरीके से ब्लॉग बनाएंगे। तो यार जो हमने 2 ब्लॉग बनाए थे, मतलब नागपुर से ग्वालियर, वो भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। आपको अच्छा खासा व्यू नहीं मिला होगा, मतलब नज़ारा नहीं मिला होगा। उसके बाद हमने कहा सिर्फ हम ग्वालियर से ऋषिकेश आए, तभी भी आपको अच्छा खासा व्यू नहीं मिला होगा। लेकिन यार कल से जो ब्लॉग आने वाले, उस ब्लॉग में आपको अच्छा खासा व्यू मिलने वाला है। तो यार हमारे साथ आप बने रहो। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सो जाते हैं और आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम ऋषिकेश से मैसूर जाते हैं और मैसूर का कितना अच्छा खासा व्यू है वो आपको दिखाते हैं। तो चलो दोस्तों, गुड नाइट, मिलेंगे हम कल।